देश के हर कोने में नवरात्र की धूम है। गुजरात हो या फिर महाराष्ट्र, हर तरफ गरबे का खुमार छाया हुआ है। गुजरात पूरी तरह डांडिया और गरबे के रंग में नजर आ रहा है। गुजरात के अलग अलग शहरों में गरबे की धुन मची हुई है और लोग इस धुन में नाच रहे हैं। दुर्गा की स्तुति कर माँ को प्रसन्न किया जा रहा है। और यही नहीं, इस बार की नवरात्रि को खास बनाने के लिए लोग अलग अलग थीम और अनोखे अंदाज में गरबा करते दिख रहे हैं। नवरात्र के मौके पर देश के हर कोने में डांडिया और गरबा की धूम है। जगह जगह माता की दरबार और झांकियां सजाई गई हैं, वहीं डांडिया और गरबे का भी आयोजन किया जा रहा है। देश में हर जगह पूरे 9 दिन गरबा और डांडिया का क्रेज रहेगा। आंगन के बीच में माता का दरबार सजा के तालियों की थाप और डांडिया खेलते लोग माता की भक्ति में रंगे नजर आ रहे हैं। बात करें गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान की, तो हर साल की तरह इस बार भी यहाँ नवरात्र के मौके पर डांडिया और गरबा के लिए खास आयोजन किए जा रहे हैं। गुजरात, महाराष्ट्र में तो नवरात्र के पहले दिन से डांडिया और गरबे के आयोजन शुरू हो चुके हैं। विश्व प्रसिद्ध गुजरात के गरबे में इस बार सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ राष्ट्रीय मुद्दों की झलक भी देखने को मिली। सूरत में गरबा क्लास के एक डांस ग्रुप ने लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए हेलमेट पहनकर गरबा किया। गरबे में इस बार टैटू बनवाने का क्रेज देखा जा रहा है। गरबे की तैयारी में जुटी गुजराती लड़कियां अपनी पीठ पर चंद्रयान 2, कश्मीर में अनुच्छेद 370, मोटर वाहन अधिनियम, प्लास्टिक बैन का टैटू बनवाकर जागरूकता का संदेश दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 TV।